अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं या गर्मी दाने जैसे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्किन के अंदर दाने हो जाते हैं और हाथ लगाओ तो महसूस होते हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आते। उन सब लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट रहेगी इंशाल्लाह, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि स्किन जिनकी ऑयली होती है उसके ऊपर पिंपल्स ज़्यादातर होते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी धूल वगैरह जाती है तो वो पिंपल्स की शक्ल में बाहर नज़र आते हैं, निकल आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप किसी से मंगवा सकती हैं और आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ नीम के पत्ते, दूसरी चीज़ है नियाज़बू, उर्दू में नियाज़बू कहते हैं, अरबी में इसको रिहान कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है तुलसी, और इसको बहुत ही बाबरकत दरख्त समझा जाता है इंडिया में, और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बेस्ट है बल्कि आपके अगर कहीं कट लग जाता है या किसी भी किस्म का कोई कीड़ा काट जाता है तो आप इसका पानी निकाल के वहाँ पे लगा दें, फौरन ही इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। और जैसे कि गर्मी दाने हो जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों को, तो आप इसको हल्के हाथों से मसल लें और मसलने के बाद जो पानी निकलता है वो उस दाने के ऊपर लगा दें, या कहीं पर कट है तो वहाँ पर लगा दें, या जैसे कि कोई कीड़ा काट जाता है और बहुत ही ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं या सूजन हो जाती है तो वहाँ पर लगा लें, ये बहुत ही इंशाल्लाह बेस्ट रहेगी। ये दोनों ही मैंने जो पत्ते हैं इनको सेम क्वान्टिटी में लेकर इनको पीस लिया है और इनका पानी निकाल लिया है। आप जब इसको हल्के हाथों से मसलेंगी भी तो आसानी से पानी निकल आएगा, अगर आप किसी बर्तन में रख के इसको मसल लें तो भी पानी ही निकल अच्छे तरीके से निकल आएगा। आप इसमें और कुछ भी ऐड ना करें, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, इनका मिक्सचर बना लें बिल्कुल क्रीम फॉर्म में। आप देख सकती हैं आप अपनी इसके ऊपर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका बिल्कुल इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक गूदा सा बना लिया है, और इसको आपने अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करना है, अच्छे तरीके से फेस के ऊपर कवर कर लेना है जहाँ पर भी आपको पिंपल्स वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और 1 वीक में आपने इसको 3 बार ज़रूर अपने फेस के ऊपर ट्राई करना है, 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद आप अपना ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें। और ये नीम के पत्ते जो हैं ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बेस्ट हैं, आप अगर इनको सुखा लें और सरसों के तेल में ऐड कर दें उससे ये है कि आपके सर में अगर कोई रैशेस वगैरह हो गए हैं या खुश्की वगैरह हो गई है या दाने हो जाते हैं जैसे कि, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।